आऊं जेको कुछ बे आया पीर सही रोजे धनी रहमतुल्लाह अलैह जे सद के आया। दोस्तों ये लफ्ज एक अड़े इंसान जा चेहरा जो पैंजी शख्सियत में तमाम मुनफरिद हुई। इन जे चेहरे के दिसण सा खबर पवंदी हुई तो वाकई इन मिट्टी के पनोड़े के पोयां कें कामिल कारीगर जो हथ है। छो जो इंसान जड़ी रीत वक्त के हुक्मरान फर्स्ट क्लास माणन की सिफ में जड़े अची बीह हो तदें ये महसूस हो तो वो इंसान उन महफिल जो मोर है। पर वरी जदे कें गरीब ए मजलूम माणन के विच में पटते वेंदो हो तदें अदब ए आजिज़ी जो आला मिसाल लगंदो हो। इन अफरा तफरी ए दज्जाली दौर में जिते इंसान पैं ख्वाहिशन खातिर पैं माओ ए पी पैं औलाद अयाद ए रिश्ते नाते के विसारे वेठो है उते वरी कुछ अड़ा मर्द मुजाहिद पैदा थे जन पैं रूहानियत के रिश्ते के निभाण खातिर पैं तन मन धन ए सब जो सब पैं रूहानियत के मऊर यानी पैं कामिल मुर्शिद त कुर्बान करण में काई देर ना कई। हाँ अड़े ही इंसान की पुजाणी थी पई जै पैं पान के कदें कुछ न भायो जो भायो पैं यार मुर्शिद के भायो। महबूब इंसान के विछड़ी वन दिल तमाम घड़ी उदास थी मगर अफसोस जो कुल्हो न मिलो जैसे कंध रखी रोए जे तो जी मन को दिल त बार हल्को थिए। मानू सब मोआ वन पर मोए न तू ए मौत घाये अड़ा घोट जन मुद न हुई मरण जी। हाँ वो मर्द मुजाहिद असा हमेशा लाए हलो वो जे वक्त के कामिल वली ए दुनिया के किंग में करपीर साई शाह मर्दान शाह सानी रहमतुल्लाह अलैह अड़ी रीत पैं कमाल की नज़र से नवाजो हो जो इन शख्सियत के चार चंड लगी वया। तदें वक्त के बादशाह घर पान इनके सदो तो वाक फकीर जादम तू जादूगर आई। हाँ दोस्तों वो फकीर जादम जादूगर असा हमेशा लाए विछड़ी वो वो भागन भर भलारो इंसान फकीर जादम मगरियो जैसे पीर साई शाह मर्दान शाह सानी छटरदड़ी रहमतुल्लाह अलैह ये सद के रब करीम घना एजाज़ अदा कया मगर एक अड़ो एजाज़ भी अदा कर जै जड़ो एजाज़ भी कें जे भी भांगे में न आयो। वो एजाज़ ये आए तो इन हजरत पीर सिंह शामरदान शाह छटदणी रहमतुल्लाह अलैह के पैं हथन से आखिरी गुसल दिनों भली कई भौरन जो वास वट नाया उन कौरन दिनों जायू जिया में। बेशक फकीर जादा मंगरे मरूम जो विछोड़ो हुरजमायत लाए कलमियो है एक अड़ो खाल है जो पुर थियण तमाम दुख्यो है पर रब करीम जी रहमत ए पीर सिंह रोजे धनी रहमतुल्लाह अलैह वारन जो फैज़ भी तमाम वसी आए। सो अल्लाह करीम जी दर दुआ है तो फकीर जादव मरहूम के जन्नत में आला मकाम अता फरमाए फकीर के पोयरन के सब्र जमील तौफीक खैर रफीक अता फरमाए।